Why Instagram is dangerous for NCC cadets? Instagram पर बहुत सारे ही NCC के pages बने हुए हैं। Hey guys, मेरा नाम है अरुण और आप देख रहे हो NCC Journey YouTube channel। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है एंड मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। जैसा कि हम सब लोगों को पता है कि इंस्टाग्राम आज के टाइम पर एक बहुत ही बड़ा और पॉपुलर प्लेटफॉर्म बन चुका है। यहाँ पर बहुत सारे पेजेस बनते हैं एंड वो पेजेस सब लोग आके फोटो और वीडियो शेयर करते हैं। तो सिमिलरली एनसीसी के भी इंस्टाग्राम पर न जाने कितने ही पेजेस बन रखे हैं एंड वो सारे पेजेस फोटो शेयर करते हैं। बट प्रॉब्लम यहां है कि वो जो फोटोज शेयर करते हैं वो वेरीफाइड नहीं होते, ऑथेंटिकेटेड नहीं होते हैं। अब जो न्यू एनरोल्ड कैडेट्स आते हैं वो क्या करते हैं, वो जब इंस्टाग्राम पर जाते हैं और उन फोटोज को देखते हैं तो वही चीजें सीखते हैं और उन्हीं चीजों को वो अपने अंदर इनकल्केट करते हैं और आगे फिर फॉलो करते हैं। तो इसकी वजह से हो ये रहा है कि एनसीसी का जो लेवल है वो दिन ब दिन गिरता जा रहा है और जो डिसिप्लिन है कैडेट्स का वो भी डाउन हो रहा है। कैडेट्स एक फेक ग्लैमर के चक्कर में कुछ भी करने को तैयार है। वो फेक ग्लैमर है इंस्टाग्राम पर अपनी फोटो पोस्ट करवाना। इंस्टाग्राम पर बहुत सारे ऐसे पेजेस हैं जो कैडेट्स के फोटो पोस्ट करते हैं और उन पेजेस के अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं। तो एक फेक ग्लैमर बना हुआ है एनसीसी कैडेट्स के बीच में कि अगर मेरी फोटो पोस्ट हो जाएगी तो मैं फेमस हो जाऊंगा, और उसके चक्कर में कैडेट्स कुछ भी करने को रेडी रहते हैं। एनसीसी जर्नी चैनल के सर्वे के अकॉर्डिंग इंस्टाग्राम पर अभी लगभग 800-850 पेजेस बने हुए हैं एंड उन 850 पेजेस में से लगभग 300 पेजेस ऐसे हैं जिनके सब्सक्राइबर 1,000-1,500 से ज्यादा हैं, और उन 300 में से कुछ पेजेस ऐसे भी हैं जिनके सब्सक्राइबर 70,000-80,000 या फिर 1,00,000 से ऊपर भी हैं। एंड सभी के सभी पेजेस यही गलती करते हैं कि वो जो फोटोज पोस्ट करते हैं वो ना तो वेरीफाइड होते हैं ना ऑथेंटिकेटेड होते हैं एंड उनमें इतनी सारी मिस्टेक्स होती है, जैसे कि बहुत सारे कैडेट्स मरून बैरे डालकर फोटो खिंचाते हैं, बहुत सारे कैडेट्स मार्कोस बैच पहन के खिंचाते हैं, स्कार्फ उल्टा पहन लेते हैं, बेल्ट कहीं जा रहा है, पैंट कहीं जा रहा है, शर्ट कहीं जा रही है, चश्मा लगा लिया, हाथ में केन पकड़ ली, कुछ भी, मतलब सारे इनडिसिप्लिनरी एक्शंस है। तो वो जो पेजेस फोटो पोस्ट करते हैं उनमें इतनी सारी गलतियां होती हैं आप खुद देख सकते हो। ये कुछ फोटोज हैं जो मैंने इंस्टाग्राम से पॉपुलर पेजेस के अकाउंट से कॉपी किए हैं और जिनको मैं यहाँ दिखा रहा हूँ। एक बार आप इन फोटोज को देखो। कैडेट्स सिर्फ यही फोटोज नहीं है, इंस्टाग्राम पर डेली लगभग 600-700 फोटोज पोस्ट किए जाते हैं एनसीसी के। हो सकता है ये डेटा गलत हो मेरे अकॉर्डिंग और इससे ज्यादा नंबर हो सकता है, ये मैं बहुत नंबर कम लेके चल रहा हूँ। तो 500-700 फोटोज डेली पोस्ट किए जाते हैं, उन 500-700 फोटोज में से बहुत सारे फोटोज गलत होते हैं एंड उन गलत फोटोज को देखकर जो जूनियर कैडेट्स हैं या फिर जो न्यू एनरोल्ड कैडेट्स हैं या फिर हम बोल सकते हैं कि जो कैडेट्स अब आगे एनसीसी लेने वाले हैं, जो स्टूडेंट्स, वो इनको देख के मोटिवेट होते हैं। वो सोचते हैं कि हम एनसीसी में जाके मरून बैरे पहनेंगे, हम एनसीसी में जाके मार्कोस बैच लगाएंगे, हम एनसीसी में जाके ये करेंगे, हम एनसीसी में जाके वो करेंगे, और उन्हीं सबको देखते हुए वो अपने अंदर भी यही सब चीजें इनकलकेट करते हैं, जिसकी वजह से हो ये रहा है कि एनसीसी का जो डिसिप्लिन है वो डिक्रीज होता जा रहा है। एंड आज के टाइम पे एनसीसी कैडेट्स को ये पता नहीं है कि उनको यूनिफॉर्म कैसे पहनना है। तो मेरा एक सजेशन है आप सभी के लिए कि आप ऐसे पेजेस को स्पेशली इंस्टाग्राम से एनसीसी के मामले में बिल्कुल दूर रहो। अगर आपको कोई ऑथेंटिकेटेड पेज मिलता है तो ही आप उसको फॉलो करें, नहीं तो फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत सारे ऐसे कैडेट्स हैं जिनका थर्ड ईयर हो जाता है एंड थर्ड ईयर में भी उनको यूनिफॉर्म पहनना नहीं आता है। वजह यह है कि वो फेक ग्लैमर में घुसे हुए हैं, उनको
उनको अपना फोटो इंस्टाग्राम पर डलवाने से मतलब है, बाकी किसी चीज से मतलब नहीं है। इवन एनसीसी जर्नी पेज पर डेली कितनी सारी ही रिक्वेस्ट आती है, सर मेरा फोटो डाल दो, मेरा फोटो डाल दो, मेरा फोटो डाल दो। एंड जब हम उन फोटोज को चेक करते हैं तो उनमें डालने लायक कुछ होता भी नहीं है। इसीलिए मैंने इंस्टाग्राम पेज पर, एनसीसी जर्नी पेज पर आज तक कोई भी फोटो नहीं डाला है, बिकॉज मेरा मानना यह है कि अगर मैं कोई फोटो डाल रहा हूं तो वो ऑथेंटिकेटेड होना चाहिए, वो कंप्लीटली वेरीफाइड होना चाहिए, उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। क्योंकि उस फोटो को देखकर ना जाने कितने जूनियर कैडेट, ना जाने कितने स्टूडेंट्स मोटिवेट होंगे, एंड अगर मैं उनको गलत सिखाऊंगा, वो गलत सीखेंगे, तो वो अपने जूनियर्स को गलत सिखाएंगे। तो आपका काम ये है, सही सीखना है खुद को, और आगे आपके जो जूनियर्स होंगे उनको भी सही सिखाना है। क्योंकि कल को जब आप सीनियर बनोगे, जब आप थर्ड टर्म के कैडेट बनोगे, थर्ड ईयर के कैडेट बनोगे, तो आप क्या चाहते हो कि आपको कोई जूनियर आके टोक दे कि सर ये आपने गलत पहना हुआ है? तो प्लीज आप इंस्टाग्राम से दूर रहो। यही वजह है कि मुझे आज का ये वीडियो बनाना पड़ा, बिकॉज मैं थक गया हूं ये सब देखकर। कैडेट्स इतनी गलतियां करते हैं, यूनिफॉर्म गलत पहनते हैं, पूरा हर चीज गलत पहनते हैं, बस फेक ग्लैमर में इन्वॉल्व है सब लोग कि इंस्टाग्राम पर फोटो डलवा दो। क्या हो जाएगा फोटो डल के? कुछ भी नहीं होने वाला है। एनसीसी इसके अलावा भी बहुत कुछ आपको सिखाता है। एनसीसी का मोटिव नहीं है ये कि फोटो डालना है वहां पे। कैडेट्स यूनिफॉर्म पहन के, गलत सलत यूनिफॉर्म पहन के, काला चश्मा लगा के, हाथ में केन पकड़ के फोटो खिंचाते हैं, क्या समझ रहे हो यार खुद को? कैडेट हो, डिसिप्लिन मेंटेन करो एंड एनसीसी से सीखते रहो। और एक जो चीज है जो आपको अपना डिसिप्लिन बनाए रखने के लिए करना है, वो है एनसीसी जर्नी का सब्सक्राइब बटन को दबाना है। और आप इस बारे में क्या सोचते हो कि इंस्टाग्राम एनसीसी कैडेट्स के लिए डेंजरस है या नहीं, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में मुझे अभी बताओ। बाकी ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप इस पेज को फॉलो कर सकते हो और हमारे साथ बने रहो। तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे सेफ एंड जय हिंद।